ये ललित कला एकेडमी लखनऊ के द्वारा प्रायोजित है। ये हर वर्ष होती है और इस वर्ष क्योंकि कोविड की वजह से ये 1920 रह गई थी तो ये अब हो रही है यहाँ पर। इसमें 59 पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये जो नवोदित चित्रकार होते हैं उनके लिए स्पेशली एकेडमी ने शुरू किया है इसको। तो इसमें जगह जगह के ये हमारा क्षेत्र है पूरा, मुरादाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, यहाँ के जो कलाकार हैं उनको हम लोग इनवाइट करते हैं। तो वो पहले अपनी पेंटिंग्स की फ़ोटोग्राफ भेजते हैं, उसमें से चयन होता है ज्यूरी द्वारा, उसके बाद फिर पेंटिंग्स हम लोग इनवाइट करते हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं, उसके बाद फिर ज्यूरी आती है। यहीं पर आई थी तीन लोग, उन लोगों ने फिर तीन पेंटिंग को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया था। तो अब हम उनको एक मंच के रूप में, बरेली कॉलेज ने मंच दिया है, गैलरी है हमारे पास, तो ये पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद समापन कार्यक्रम इसका 19 तारीख को होगा गंगाशील महाविद्यालय में। जो पेंटिंग जो चयन किया गया है किस विषय पर बनाया है? विषय कोई भी हो सकता है क्योंकि टेक्निक है, कुछ नयापन है पेंटिंग का, उसके आधार पर ज्यूरी आती है, वो देखती है। तो इसमें तीन विधाओं को लिया है उन्होंने, एक ऑयल पेंटिंग में है, एक्रिलिक में है, और एक ये वॉश पेंटिंग में है, और ये तीसरी वाली जो है वो पेन वर्क है। ये तीन पेंटिंग है ये इनको किया है। ये प्रगति अग्रवाल है, ये खड़ी हुई है, आप इनकी बाइक बात कर सकते हैं, और एक आकांक्षा वर्मा, और एक ये है मोनिका सक्सेना। देखिए, हालांकि ये हमारे बरेली कॉलेज के कला विभाग के द्वारा, डॉक्टर मंजू सिंह के द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी है, और हमारे यहाँ आर्ट गैलरी होने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर विभिन्न कलाकार जिन्हें कोई मंच नहीं मिल पाता वो उनको एक मंच मिल जाता है जिसमें वो अपनी कला या प्रतिभा को दिखा पाते हैं और बहुत ही सुंदरता से वो अपना यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और उसमें पुरस्कार भी मिलते हैं। तो ये पुरस्कार जो इस कला एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं ये कोई मामूली पुरस्कार नहीं है, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि अगर कहीं पर वो अपॉइंटमेंट लेते हैं या कहीं पर भी वो अपना बायोडाटा वगैरह रखते हैं तो उनमें भी इस पुरस्कार का बहुत महत्व है। और दूसरी बात ये कि कॉलेज में विभिन्न विभाग के, जैसे मैं अंग्रेज़ी विभाग से हूँ तो लिटरेचर और कला के संगम की बात है, तो कला जो है वो रंगों की माध्यम से अभिव्यक्ति करती है और साहित्य जो है वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है, और इसीलिए कला और साहित्य को हम एक दूसरे पर आश्रित मान सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कला अलग है और साहित्य अलग है, हमें अलग देखना है। तो इस तरीके से भी जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ आकर उन कलाओं के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि रेफेल एक बहुत बड़े इटालियन पेंटर हुए, तो उन्हीं के आधार पर रेफेल पेंटिंग्स कहलाती हैं और हमारे साहित्य में रेफलाइट मूवमेंट कहलाता है, प्री रेफलाइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कला और साहित्य से जुड़ी हुई हैं उनको भी समझने में, उस विधा पर बनी हुई कलाकृतियों को देखने में, उस काल, देश और सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें बहुत कुछ पता लगता है। मैंने सोशल कनेक्टिविटी पे दिखाया है कि आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया किस तरह से हम लोगों के ऊपर जाल बिछाया हुआ है। एक इंसान को पूरा दिमागी तरीके से उसने पूरा जाल बना लिया है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि पूरा मतलब जो हम लोग हैं वो पूरा तरह से व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से मतलब हम डिपेंड हैं कि हम उसके अलावा हम कुछ जानते नहीं। ये व्हाट्सएप पर बनाया है मेन, ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप वाला है, तो इसमें व्हाट्सएप को इस तरह से दिखाया गया है कि ये पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर जाल बिछाया गया है, ये पूरे जो कनेक्टिविटी दिखाई गई है ये पूरा इस तरह। और ये वॉश पेंटिंग है, मतलब वॉश विधि है जो मेनली लखनऊ में होती है, तो वहाँ से सीखा है। ये लगभग एक महीना लगा था इसे बनाने में, बल्कि ये 1.5-2 महीने लग जाते हैं क्योंकि बार बार धुल के और फिर बनाई जाती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। चयन कैसा किया गया है ये तो जज के ऊपर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी पेंटिंग मतलब स्टार्ट हुआ है कि हाँ एक अवार्ड मिला है, आगे से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे करना है, और इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा मैं अच्छा कर पाऊँ उतना ही अच्छा मुझे करना है, आगे और भी एग्जीबिशन्स में भेजना है, नेशनल इंटरनेशनल उसमें। प्रगति अग्रवाल, मैंने ये पेंटिंग में ये दिखाया है कि लेडीज़ के पास ना लॉट्स ऑफ ड्यूटीज़ हैं, मतलब मैनी, उसके माइंड में क्या चलता रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि हमें सुबह अगर हम शादी हो गई है तो हस्बैंड है उसके लिए कुछ करना है, तो जो ये लकड़ियाँ आपने दिखाई हैं वो ड्यूटीज़ हैं कि उसके लिए बच्चे के लिए भी खाना बनाना है, मदर इन लॉ के लिए भी करना है, मतलब सबको देखते हुए हमें अपनी आप की प्रतिभा को कैसे उभारना है,
सबके हम एक इंडियन में हम इंडियन वुमेन हैं एंड हम सबकी किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ ड्यूटीज़ होने के बाद भी हम अपने आप को कैसे अपने आप की अपनी प्रतिभा को बाहर निकालें और कैसे हमें समाज को दिखाना है कि हम वुमेन्स हैं और हम कुछ कर सकते हैं। और ये अवार्डेड पेंटिंग है और ये मेरा पहला अवार्ड नहीं है, ये मेरा 6th अवार्ड है।